वंदे वंदे वंदे। बच्चों, आज ये भारत इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। ये तिरंगा हमारी शान है। अभी कहना भी आप सुने हैं कि ये तिरंगा हमारी भारत का शान है। क्योंकि शान इसलिए कि कितनी गुलामी के बाद हम उस गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे, उस जंजीर से हम निकले। और यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक झंडा, इसीलिए गौरव के साथ हर साल में दो बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इसे उल्लासपूर्वक अपनी अस्मिता, देश की अस्मिता की रक्षा के लिए इसको हम फहराते हैं। और ये आज गणतंत्र दिवस जो है, वह गणतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, गण और तंत्र। गण मन होता है जनता और तंत्र का होता है शासन, अर्थात जहाँ का शासन व्यवस्था जनता के हाथ में हो, वही वह गणतंत्र है। गणतंत्र है, इसीलिए ये गणतंत्र दिवस हम हर साल, बच्चों को भी जानते हो कितने कुर्बानी के बाद यह आजादी हमें मिली। और आजादी मिलने के बाद इस भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान, एक कानून की आवश्यकता हुई। और उस कानून बनाने वाले हमारे पूर्वज भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने इस संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार किए। और उसी आधार पर हमारा ये भारत का शासन व्यवस्था आजादी के बाद संचालन हुआ। वह जब तैयार हुआ तो यही 26 मई का दिन है, और जिसको वो संविधान भारत में लागू हुआ। और उस दिन से उसी संविधान के आधार पर हम भारत की शासन व्यवस्था को संचालन करवाते आ रहे हैं। और यह संचालन का भार हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। क्योंकि जनप्रतिनिधि गणतंत्र दिवस का है, तो जनता का शासन और जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो संसद में या विधानसभा में आकर जाकर के कानून बनाते हैं, उसकी सरकार की व्यवस्था करते हैं और उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमारे देश में जो जवान है, वह देश की अखंडता के लिए अपने प्राण को निछावर करते हुए उसको लागू करने का हर संभव किया गया है। आज अर्थात अभी हमारे भारत की प्रगति करने में दुश्मनों का कम हाथ नहीं है। आज अभी आप देखने होंगे कि चीन का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा है, बहुत सारे देश हमारे विदेश में है, फिर भी हमारे शहीद नौजवान का जो बलिदान है वह अक्षुण रखने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और हम अपने धन बल बुद्धि और विवेक इस शासन व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। इसलिए यदि हमें कहीं खून देने की आवश्यकता हो, बलिदान देने की आवश्यकता हो, तो इस राष्ट्रीय फैसले को भी हम उसका नहीं होने देंगे।